का सबसे पैघ पार्टी छे बीजेपी, आ बीजेपी का जड़ छे आरएसएस। आरएसएस ऐसे 12 साल पहले यूपी का ट्राइफर्केशन, बिहार का बाइफर्केशन के बाद पास करे छे अपना आरएसएस। लेकिन क्या कि वो सब कहे छथिन जे अखन तक नेता सब खाली हमरा सके लड़बैये ठोकैये, जो मिथिला राज्य भ जात सबसे पहिने मैथिली भाषा हमर द्वितीय राजभाषा भ जात, पहिलुक भाषा। लगातार मिथिला राज्य के लिए आंदोलन चल रहा है, बहुत साल हो गए, कोई उम्मीद बनेगा आगे? मेरा जेएम न्यूज के साथ लाइव इंटरव्यू था, कल मैंने इसी बात पे उन्होंने पूछा के, तो हम मैथिली में कह रहे, हम यह कहलिए जे मैक्सिमम 2040 तक मिथिला राज्य बनते। हमर सबके आंदोलन यदि तेज रहले तो उससे पहिने 2030-2035 में मिथिला राज्य बनते। मिथिला राज्य तो बननाय छै, कियाकि ओ नब्ज चटौले ल हम पदयात्रा पिछला साल शुरू केने रही, 70 दिन 700 किलोमीटर के पदयात्रा, और पूरा मिथिला के वो पदयात्रा रहे जिसमें 12 जिला हम पदयात्रा केलों और जनता के बीच में गेलों। एक एक आदमी से पूछलिए, सब आदमी के मिथिला राज चाहिए, चाहे वो किशनगंज हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, खगड़िया हो, हर जगह सहरसा हो, मधेपुरा हो, दरभंगा, मधुबनी, सौंसे मिथिला राज्य चाहिए। क्या कि वो सब कहे छथिन जे अखन तक नेता सब खाली हमरा सके लड़बैये ठोकैये, जो मिथिला राज्य भ जात सबसे पहिने मैथिली भाषा हमर द्वितीय राजभाषा भ जात, पहिलुक भाषा है तो तुक्का। और हमर विकास हम खुद करब, हमर अपन मुख्यमंत्री है, अपन मंत्री है, जकरा से हम कोनो सवाल कह सके छी। लेकिन एखन हमर शासन मगही सरकार करैया जे मिथिला के उपेक्षा करे छे, और ओकरे इशारा पर केंद्र सरकार से हो मिथिला के किसने दौड़ रहले है। तो हमर सबके लड़ाई तो चालू छे। अब हमर तबियत ठीक भ गेल है, पिछला साल ऑपरेशन भेल है, हट के एक साल के बाद आप ठीक छी, वैसार करबे। और बाकी जे 12 जिला छे, 11 जिला छे, ओकर पदयात्रा के प्रोग्राम बनेबे, और जहन ई प्रोग्राम हेते हम सब एकटा खाका तैयार कर रहलिए है। वही संगे हमरा सबके पूरा मिथिला के बंद के आह्वान, पूरा मिथिला के जतेक हाईवे छे ओकरा रोक के अभियान, मिथिला से कोनो तरह टैक्स नहीं देव के अभियान हम सब शुरू करबे। और अब वास्ते जनता तैयार छथिन, ओतुका नेता तैयार छथिन, ओतुका बिना एकर मिथिला राज्य नहीं भेटे वाला छे, और हम सभी काज करबे। अच्छा, ये कितने जिले बिहार से होंगे, क्या और कहीं से भी और किसी राज्य से भी जिले? 22 जिला बिहार से और 6 जिला झारखंड से, टोटल हो गया 28 जिला। 28 जिला है, और नेपाल के जिले का अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल बात हो चुकी है, और वो सब मिथिले छे, लेकिन ओकरा केंद्र सरकार के करब छे। हमरा सबके मांग हो छे, लेकिन हम सब जे नक्शा तैयार के लिए है वही में ही 28 जिला। कितनी आबादी लगभग प्रभावित होगी इसमें, कितने लोग आ जाएंगे, और क्या इसके बाद क्या योजना है, मिथिला बनने के बाद क्या फायदा होगा? 10 करोड़ मिथिला में, बिहार में छे मैथिल, और 2 करोड़ के लगभग झारखंड में, 12 करोड़ मैथिल छे। तो अहाँ बुझ सकै छियै लगभग 10% इंडिया पॉपुलेशन जे छै से मैथिल छे, और ओ नकारल जा रहले है। केना नकारल जा रहले, एकटा छोट सनक उदाहरण दे, जैसे 7-8 साल पहिने एम्स कए जगह घोषणा केलखिन मोदी जी, सब जगह एम्स बन गेले, मिथिला में अखन तक ईटो नहीं पड़ले है, एकटा शिलान्यास नहीं भेले है, 7 साल बीत गेले। अब ऐसे बेसी भेदभाव की हो सके छे? माता जानकी के साथ भी पूरे जीवन में भेदभाव हुआ, परेशान हुआ उन्हें, क्या लग रहा है जैसा उनके जीवन में हुआ वैसा मिथिला के साथ भी किया जा रहा है? जानकी संगे जे वही टाइम के भेदभाव छे, या जानकी संगे जे मिथिला के अंदर में या देश के अंदर छे, लेकिन एक चीज अहाँ बुझ लियो,
माता जानकी जे छथिन पहिने माता जानकी छथिन तकर बाद श्री राम छथिन सिया राम कहै छै राम सिया नहि कहै छै और हमर संविधान जे छै ओहिमे मात्र राम टा के फोटो नहि छै सीता के फोटो सेहो ओहि संविधान किताब में छै सीता जे छथिन जगत जननी लक्ष्मी स्वरूपा छथिन लेकिन नकारल जा रहले है आय पुनौरा धाम छै जनकपुर धाम छै ओकर विकास के बात नहीं बढ़ रहा है सीतामढ़ी के विकास के बात नहीं बढ़ रहा है कृष्णानंद जी छे जो पद यात्रा करने रहती वास्ते केना विकास हेतु केंद्र सरकार बिहार सरकार ओकरा छोड़ने से हॉट स्पॉट बनबे जहिया अयोध्या के लड़ाई से ओकरा फायदा नहीं भेटते ओकर बाद वो पुनौरा धाम जेते सीता मैया से वो फायदा लेते हो। अच्छा ये जो राम जी का वनवास तो कहते हैं अयोध्या में मंदिर बन गया राम जी का वनवास तो खत्म हो गया लेकिन माता जानकी का वनवास कब खत्म होगा कब मिथिला राज्य बनेगा? मिथिला राज्य तो कहलूं मैक्सिमम 40 तक बनते जो हम सब लड़ाई जारू रखबे दिल्ली से लेके मिथिला तक भ सकैए 30 में 35 में एखन सबसे पैघ बाधा की छे मिथिला राज्य में देखियो देश के सबसे पैघ पार्टी छे बीजेपी आ बीजेपी का जड़ छे आरएसएस आरएसएस ऐसे 12 साल पहले यूपी का ट्राइफर्केशन बिहार का बाइफर्केशन का बात पास करे छे अपना थी आरएसएस लेकिन मोदी जी जे या सेल्किन है ओय दिन से ही मिथिला राज्य पर रोक लगेने छथिन राज्य पुनर्गठन आयोग तक नहीं बनेलखिन अखन लेकिन ई राज्य तो बनबे करते कतेक दिन अहाँ रोक कर रखबे और अय में सबसे पैघ बाधा की छे बिहार में जदयू के सरकार आ जदयू के चमचागड़ी में बीजेपी बीजेपी जखन हटे छे साल दू साल जदयू संगे तखन जतेक नेता छे एमपी होए एमएलए होए मिथिला राज जय मंच पर जात मिथिला राज के बात करे छे आ जखने फेर ओकरा जदयू संगे साठ गांठ होय छे मंत्री भ जाय छे दोस्ता तो मिथिला राज के बात बिसर जाय छे। देखिए ये थे हमारे साथ सुशील जी और साफ साफ ये कह रहे थे कि किस तरीके से मिथिला राज्य 2040 है लेकिन अगर थोड़ा संघर्ष बढ़ाएंगे तो 2030 तक भी ये मिल सकता है और इसके लिए कोशिशें तैयार हैं लगातार पद यात्रा की पूरे क्षेत्र में मिथिला क्षेत्र के अंदर और उसके बाद तबीयत खराब हुई तबीयत खराब होने के बाद शरीर में भी काफी दिक्कत हुई एक साल तक विश्राम करने के बाद फिर से मैदान में डट गए और कह रहे हैं जब तक दम है तब तक अपनी आवाज उठाएंगे और